तो वीवो आईपीएल 2021 के सेकंड फेज जो यूएई में खेला जाएगा उसके लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने अपनी टीम में तीन सबसे खतरनाक खिलाड़ी को शामिल कर लिया है रिप्लेसमेंट के तौर पर। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आईपीएल 2021 का सेकंड फेज यूएई में स्टार्ट होने जा रहा है 19 सितंबर 2021 से, जिसका फाइनल मुकाबला 15 अक्टूबर 2021 को खेला जाएगा, जहां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम से तीन मुख्य खिलाड़ी बाहर हो गए थे। आईपीएल 2021 के सेकंड पार्ट से अपना नाम वापस ले लिया था, ये नहीं खेलने वाले, जिनमें नाम है फिन आलन का बेहतरीन युवा ओपनर बल्लेबाज और विकेट कीपर बैट्समैन। दूसरे खिलाड़ी हैं डैनियल साम से बेहतरीन ऑलराउंडर जो कि आईपीएल का पार्ट वन खेले थे लेकिन आईपीएल का पार्ट टू नहीं खेलेंगे। तीसरे खिलाड़ी हैं आदम जंपा बेहतरीन स्पिनर। तो ये तीन खिलाड़ी बाहर हो गए लेकिन अब यहां पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने इनकी जगह पर रिप्लेसमेंट के तौर पर तीन शानदार खतरनाक खिलाड़ी को शामिल कर लिया। इस वीडियो में आपको पूरी विस्तार से बताने वाले उन सभी रिप्लेसमेंट के बारे में जो कि ऑफिशियल तौर पर कंफर्म हो चुका है, अनाउंस कर दिया है आरसीबी की टीम मैनेजमेंट ने। लेकर लास्ट तक पूरी वीडियो देखते रहें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, साथ ही हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लाइक और फॉलो कर लें क्योंकि यहां पर लगातार क्रिकेट की हर एक अपडेट सबसे पहले मिलती रहती है, खासतौर पर हमारे टेलीग्राम चैनल पर। सभी पेजों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर यानी कि आरसीबी की टीम ने अपनी टीम में शामिल कर लिया तीन शानदार खिलाड़ियों को। बात करें पहले खिलाड़ी के बारे में तो पहले खिलाड़ी हैं श्रीलंका के बेहतरीन ऑलराउंडर वनिंदु हसरंगा जो कि इन्हें आरसीबी की टीम ने अपनी टीम में शामिल कर लिया आईपीएल के सेकंड पार्ट के लिए आदम जंपा के रिप्लेसमेंट के तौर पर। जी हां, आदम जंपा आरसीबी की टीम का हिस्सा थे लेकिन आदम जंपा ने मना कर दिया आईपीएल का सेकंड पार्ट भी खेलने से, जिसके चलते आदम जंपा की जगह पर वनिंदु हसरंगा को टीम में शामिल कर लिया है जो कि श्रीलंका के बेहतरीन ऑलराउंडर हैं। अगर हम बात करें दूसरे खिलाड़ी के बारे में तो गाइस दूसरे खिलाड़ी हैं टिम डेविड जो कि एक शानदार खतरनाक बल्लेबाज है, काफी बेहतरीन मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजी करते हैं और काफी शॉर्ट के बल्लेबाजी भी करते हैं। तो टिम डेविड को रॉयल चैलेंजर्स यानी कि आरसीबी की टीम ने अपने टीम में शामिल कर लिया आईपीएल 2021 के सेकंड पार्ट के लिए जो यूएई में खेला जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि टिम डेविड पहले खिलाड़ी बन गए आईपीएल में खेलने वाले, आईपीएल में शामिल होने वाले जो कि ये सिंगापुर के पहले खिलाड़ी हैं। सिंगापुर के टिम डेविड काफी शानदार मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजी करते हैं, इनके आने से आरसीबी का मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजी काफी मजबूत काफी स्ट्रांग हो जाएगा जो कि इन्हें टीम में शामिल किया है फिन आलन के रिप्लेसमेंट के तौर पर। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फिन आलन आईपीएल का पार्ट वन खेले थे लेकिन आईपीएल का सेकंड पार्ट नहीं खेल पाएंगे क्योंकि ये न्यूजीलैंड की तरफ से खेलने वाले हैं, पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की टीम में चुने गए हैं, तो ये अपने देश के लिए खेलेंगे, इस वजह से इन्होंने भी अपना नाम वापस ले लिया था। तो इनके रिप्लेसमेंट के तौर पर टिम डेविड को टीम में शामिल किया गया है। बात करें तीसरे खिलाड़ी के बारे में तो गाइस वो है दुश्मंता चमीरा, श्रीलंका के बेहतरीन तेज गेंदबाज। दोस्तों दुश्मंता चमीरा को आरसीबी की टीम ने साइन करके अपनी टीम में शामिल कर लिया आईपीएल 2021 के सेकंड पार्ट के लिए जो कि इन्हें टीम में शामिल किया गया है डैनियल साम्स के रिप्लेसमेंट के तौर पर। जी हां, जो कि डैनियल साम्स एक बेहतरीन ऑलराउंडर थे, आईपीएल का पार्ट वन खेले थे लेकिन आईपीएल का सेकंड पार्ट नहीं खेल रहे हैं, इन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है जिसके चलते डैनियल साम्स की जगह पर अब टीम में शामिल कर लिया गया है बेहतरीन तेज गेंदबाज दुश्मंता चमीरा को। तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने आईपीएल 2021 के सेकंड पार्ट के लिए ये तीन बड़ी रिप्लेसमेंट घोषित की है। आपको बता दें कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के विदेशी खिलाड़ियों की लिस्ट अब कुछ इस तरह से हो गई है जो कि पहले खिलाड़ी एबी डिविलियर्स, दूसरे खिलाड़ी ग्लेन मैक्सवेल, तीसरे खिलाड़ी वनिंदु हसरंगा, चौथे खिलाड़ी दुश्मंता चमीरा, पांचवे खिलाड़ी टिम डेविड, छठे खिलाड़ी डैनियल क्रिश्चियन, जबकि सातवें खिलाड़ी काइल जेमिसन।